किट्टू कैसे उस रूम से इधर बलून्स लेके आ रही है बाहर पक के। अभी तो इतने सारे फुलाने रहते हैं यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज दिन भी बहुत स्पेशल है। आज है मेरे पापा का बर्थडे, तो आज हम लोग कहीं बाहर भी जाने वाले हैं ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए और पापा के लिए केक लाने के लिए और भी बहुत सारे प्लान्स है यार। तो मैं दिखाऊंगी आपको पूरा दिन कैसे निकलता है और शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन भी। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मम्मी ने कहा आज मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाने वाली, तो पापा और मैं भी जा रहे हैं बाहर और आज कुछ लेके आएंगे बाहर से यार, क्योंकि आज मम्मी के पास बहुत सारा काम है। टाइसन अंदर आओ, ये देखिए टाइसन को, इसको पहले हो रही है बाहर जाने की। देहरादून में ना वाकई ठंड पड़ गई है, अभी सुबह 7:30 बजे में मुझे ठंड लग रही है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राजकुमार स्वीट्स के पास और अब देखते हैं क्या लेते हैं। पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं अंदर। देखिए गरम गरम समोसे भी सिक रहे हैं। पापा ले रहे हैं समोसे, एक बार मैं आपको शॉप भी दिखा देती हूँ। इस पापा ने ना समोसे के बदले कचौड़ी ले ली। एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट टाइम कचौड़ियाँ आगरा में ही खाई थी, हमें पता नहीं था कि यहाँ मिलती है, तो हम लोगों ने रैंडम से कचौड़ियाँ ही पैक करवा ली। ले चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। हम पहुंच चुके हैं घर और इसकी खुशबू ना मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है, कब मिलेगा खाने को। ये देखो हम क्या लाए, कचौड़ी। लगा सिर्फ मुझसे वेट नहीं हो रहा और पापा को देखो मुझसे भी जल्दी हो रही है। शिवांगी और मेरा हो गया, मम्मी के लिए स्पेशल लाया हूँ, बस थोड़ी सी पूड़ियां। स्पेशल खाऊंगी तो पागल है क्या? नहीं नहीं आपको उतना ही मिलेगा। ये है कर्ड और ये है, ये क्या है पापा, ये क्या है, ये पता नहीं। और ये है कचौड़ी, ये है आज का ब्रेकफास्ट। बस आज हम लोग सामान वामान पैक कर रहे थे क्योंकि कल सुबह हम लोग को निकलना है घर के लिए, तो अभी मम्मा और मैं आ गए थे विशाल मेगा मार्ट क्योंकि आज पापा का बर्थडे है, तो उनको तो नहीं बोल सकते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ शॉपिंग करने हम लोग विशाल आ गए। ये मम्मा खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या पसंद आया। गाइस हमने विशाल मेगा मार्ट से सामान ले चुका है और अब जा रहे हैं हम ग्रॉसरी स्टोर पे क्योंकि वहाँ से भी कुछ सामान लेना है। अब हम आए हैं फ्रूट मंडी, कल गांव जा रहे तो सोचा दादा दादी के लिए फ्रूट भी लेते हुए जाए। देखो मम्मा गाइस अब हम आ चुके हैं केक हाउस पापा के लिए केक लेने और अब चल रहे हैं अंदर। ये है सारी केक, देखते हैं कौन सा पसंद आता है। वैसे तो पापा का फेवरेट चॉकलेट है, चॉकलेट में ये और ये है, देखते हैं मम्मी कौन सा बोलते हैं। गाइज ये है पापा के बर्थडे की तैयारी और अभी भैया भी आ गए। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। किटू को भी लगाते हैं? हां को पहले जो लगाना था अपने सर में किट्टू को भी काटना है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए कौन कौन आया है। किट्टू को देखो, सबसे पहले ये देखो, बस मम्मी खिला दो, फोटो नहीं हो। अरे यार क्यों, ये कैंडल उसमें निकाल के अलग से ही पीने चाहते हैं। ये देखो अब ये लोग यहाँ पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और ये है केक, ये है किट्टू। किट्टू का कितना मन हो रहा है अभी से देखना। और ये है अंकिता हमारी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, थैंक यू, देख कितनी अच्छी हो, सब बोला आओ मम्मी। अच्छा बस तो इतने से लोग हैं और ये हमारी छोटी सी बर्थडे पार्टी। पापा आपको कैसा लग रहा है आज? आपको बहुत सुंदर लग रहा है, मजा आया अपने बर्थडे पे? सरप्राइज कैसा लगा भैया? सरप्राइज बहुत खतरनाक लगा। शिवानी पापा क्या क्या कर रहा था पूरे दिन, यही करने में लगी थी क्या? ये कौन सा सरप्राइज, आपका बर्थडे आप ही को पता नहीं होगा। गाइस ये था हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन पापा के लिए छोटा सा, तो पापा को ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें कुछ पता नहीं होगा क्योंकि आजकल ऐसा है नहीं कि कुछ सरप्राइज होने वाली चीज है। पापा पूरा दिन घर पे ही थे,
तो छोटा मोटा हम लोगों ने करा पापा के लिए जेस्टर जितना हम लोगों से हो पाया। पर मैं आपको सभी से मिला देती हूँ, ये देखो ये आदि है। आदि हाय बोलो। हाय। अब अंकिता, अंकिता हाय बोलो। ये है दीदी, ये मम्मा और ये अनीता दीदी, वो पूजा दीदी। पूजा दीदी तो कोल्ड ड्रिंक सर्व करने में बिजी है। अरे भैया, ये मेरा व्लॉग सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं, सच्ची में हर व्लॉग बिगाड़ने के लिए आते हैं मेरा। पापा अपने बर्थडे में खुद ही मेहनत कर रहे हैं, बेचारे प्लेट ला ला के इधर मम्मी को दे रहे हैं और मम्मी बैठे बैठे सर्व कर रहे हैं। इसको थोड़ा कंट्रोल दीदी, ये बर्थडे बॉय को देखिए, खुद ही खुद खाने में लगे हुए हैं। भैया को तो सीट हमने ऑफर ही नहीं किया, इसलिए खड़े खड़े ही खा रहे हैं। अरे पापा देखिए, बर्थडे बॉय खुद ही सर्व करने में लगे हैं। वो किट्टू को देखो, पता नहीं किससे बातें कर रही है। पापा इसे तो खोलो, पापा इसे तो खोलो। हाँ इसको खोलो ना पापा, इसको खोले। पहले मैं सोचा था कि बोतल ले जा, लेकिन सोचा बोतल तो महंगी है। नहीं 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 नहीं, मुझे देखना है ना उसमें क्या। पापा ने बोला आज से कॉल लगे रहेगा, मुंह से खोल दिया। ये प्योर पहाड़ी स्टाइल है। हाँ ये वही प्योर पहाड़ी स्टाइल है। ये दांत क्यों है जब इस्तेमाल ही ना हुए तो, है ना? ये मैं नहीं आया जब, काम नहीं आया जब। पास से दिखाना हाँ मुझे भी जरा। दिखाओ पापा, हाथ में दिखाओ। पापा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रीटी भैया, थैंक यू। वैसे भी हमारे घर में नहीं थे गौतम बुद्ध, भैया लेके आए थे पापा के लिए। भैया बताओ इसका मीनिंग क्या है? पिंक, जो पिंक बुद्ध होते हैं, स्प्रेड ऑफ लव। ओके भैया, सब सबको प्यार बांटते हुए चल रहे हैं। देखो पापा ने यहाँ रख दिया, फोड़ने के लिए तो है वो। ले बैठ जा, तू बैठ जा। नो नो, तुम लेके जाना बेटा, ठीक है? सारे लेके जाओ। हाँ इतने सारे नहीं, तुम्हारा जितना मन हो ले जाओ। मम्मी की टेंशन फिर शुरू हो गई, बोला इसकी सफाई कैसे करूँ। सफाई अगले ब्लॉग में। हाँ इसकी सफाई अगले ब्लॉग में, उसको यहाँ में चिपकाना। ये देखिए गाइस, पापा और किट्टू लग गए खेलने के लिए, दोनों के दोनों। मेहनत दीदी मेरी और मम्मी की लगी फुलाने में, मजे दोनों कर रहे हैं। वो तो छुप गई, वो तो बलून में छुप गई। वो तो पूरी छुप गई। ये देखिए, तो पापा अब हो गया आपका बर्थडे खत्म, तो मुझे बताओ आपको कैसा लगा आज बर्थडे में? हाँ तुमने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए जो है बर्थडे वैसे ठीक ही लगा। मेरा बर्थडे तो पहली बार इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। क्यों हर साल सेलिब्रेट करते तब मजा नहीं आता? ना इतना नहीं हुआ ना, इस बार तुमने सब कुछ ज्यादा ही कर दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे बच्चों का वो करते ना बर्थडे, बच्चे मनाते हैं, उस तरह से फील हुआ मेरे को इस बार। आप लोगों को तो सुबह से ही पता था कि हम लोग पापा का बर्थडे मनाने वाले हैं। 12 बजे तक तो पापा को भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग घर पे रहते हैं, तो ऐसा छुप के कुछ अलग से सरप्राइज प्लान नहीं किया हुआ था, तो पापा के नॉलेज में था कि हम लोग रात को बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो यार ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा, और डिनर में क्या बनेगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। तो नीचे आज कमेंट बॉक्स में मेरे पापा को बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए गाइस आज क्या क्या बन रहा है, रोटियां और चिकन। ये है आज का हमारा बर्थडे स्पेशल, और एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9, और हमारा डिनर भी हो चुका है और बर्थडे पार्टी भी खत्म। तो हमने यही किया था छोटा सा सेलिब्रेशन पापा के लिए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। कल सुबह 4 बजे हम लोग को गाँव के लिए भी निकलना था, तो पैकिंग और शॉपिंग इन सब में कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला यार, तो बहुत ग्रैंड कुछ हुआ नहीं। और एक चीज़, कल से व्लॉग थोड़ा सा लेट भी आएंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ गाँव, तो वहाँ नेटवर्क इश्यू बहुत रहेगा यार। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे अपलोड कर पाऊँ। बाकी और दिन से तो थोड़ा लेट डेफिनेटली होने वाला है, बट कोई नहीं, वहाँ मजबूरी रहेगी। बाकी अभी मुझे सोना भी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो आज का ये व्लॉग खत्म कर रहे हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।